हर एक पेस बॉलर चाहता है 150 टच करना, चाहता है ना, लेकिन कैसे? आओ, किस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए ना, किस तरीके से? हर एक बॉलर का ये सपना होता है कि वो 150 टच करे और आईपीएल और इंडिया खेले। इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल, लेकिन हाउ? आपको अगर आपके उस पर काम करनी है, आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी ऐसी एकेडमी है, पेस फाउंडेशन है, जहां पे वो कहा जाता है कि आपको जीरो से लेकर 150 कर देंगे, ठीक है? वो उसी तरीके से है जैसे हर जगह ऐड देखते हो ना, मात्र 7 दिन में मोटापा कम करें, मात्र 7 दिन में पतले मोटे हो जाएं, वो उसी तरीके से फाउंडेशन जो चल रही है कि आपको वो 100% से 150 कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको तोड़ के रख देंगे, वो आपकी एक एक पुर्जे को हिला के रख देंगे, बाद में आपका बुढ़ापा जो होगा ना बहुत बुरा कटेगा। आपको जो भगवान ने बनाया है, जो नेचुरली चीज है, आप डाइट प्रॉपर लो, टाइम से सो, टाइम से प्रैक्टिस करो, जो नेचुरली चीज है उस पर वर्क करो। हमारी जो अकेडमी में होता है, आप पेस बॉलर जितने भी है, आपको सब नेचुरली तरीके से लेके जाया जाता है। नेचुरली चीज में आपको टाइम देना पड़ेगा, कोई भी एक दो दिन में बॉलर नहीं बनता, आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल 2 साल टाइम देना पड़ेगा, और टाइम की तरह टाइम देना पड़ेगा। रेगुलर एकेडमी, रेगुलर मेहनत, रेगुलर डाइट, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अगर संडे को एकेडमी ऑफ है तो ये नहीं कि संडे को मैं 10 बजे उठूँ, अगर मंडे को आप 6 बजे उठ रहे हैं तो संडे को भी 6 बजे उठें, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो वर्कआउट करें जो आप घर में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमें हमारा सपना इतना बड़ा होता है कि हमने आईपीएल में रिप्रेजेंट करना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और जितना हम आसान समझते हैं, जितना आसान हम सोचते हैं, नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे। आप 1 साल में भी क्रिकेटर बन सकते हैं और 100 साल में भी नहीं बन सकते, डिपेंड ऑन यू। कोच कितना भी अच्छा हो वो आपको क्रिकेटर नहीं बना सकता, बनना तो खुद आपने है, मेहनत ना आपने करनी है। आप अपनी स्किल्स पे काम करो, आप अपनी बायोमैकेनिक पे काम करो, आप अपने टेम्परामेंट पे काम करो, आप अपने स्टैमिनाज पे काम करो। जब आप अपना काम करोगे तो देन कोच आपको कराएगा, और आप कोच से बोलो कि हाँ मुझे ये सर प्रॉब्लम है, आप मुझे सही करा के दो। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से क्या बोलते हैं, सर हमें ऐसी मेडिसिन दो हम सही हो जाएं। उसी तरीके से कोच एक मेडिसिन है, आप उसको सही से यूज करोगे आपके लिए फायदेमंद है, आप उसको गलत यूज करोगे आपके लिए नुकसानदायक। आप कोच को एज ए मेडिसिन यूज करो। मेरा यही कहना है सिर्फ कि देखो, पेस तो सबको चाहिए, पेस के साथ स्किल्स चाहिए। रजत भाटिया का नाम सुना है किसी ने? 100 से ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खेला है, आईपीएल भी खेला है कम से कम 5 से 6 साल, कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन जब हुई थी तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था, और रजत भाटिया की पेस 120, 118, 117 थी, लेकिन उसने महेंद्र सिंह धोनी को बॉल मारा आईपीएल में, उसकी बॉल दोनों तरफ स्विंग। स्किल पे काम करो ना, आप पेस के पीछे भाग रहे। अगर मैं इंडिया का जो पैराग्राफ है ना, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी, आपको उठा के देख दूं, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं 15 से 20 बॉलर हैं जो 140 टच करते हैं। 15 से 20 बॉलर डोमेस्टिक सर्किट में हैं, 140 बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ऑन क्रिकेट, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको भट्टी कहा जाता है कि इंडिया जो है कि भट्टी है क्रिकेटर होगी। यहां पे आपको मैं उंगलियों पे 20 मीडियम पेसर भी नहीं होंगे जो 140 प्लस करते होंगे। समझ आई बात?